अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको फ्रोनस 2.5 किलोवाट इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन के बारे में बताऊंगा कि इसकी इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है और इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं। ऑलरेडी मेरे पास पहले से ये सेटअप लगा हुआ है, कुछ रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क की वजह से इसको उतारा गया। मैं इसको दोबारा लगाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इसकी इंस्टॉलेशन में कौन कौन से पॉइंट किस किस जगह पे लगते हैं। ये मेरे पास दो बैटरीज हैं 12-12 वाट की, तो क्योंकि ये 2.5 24 वाट सपोर्टिव है बैटरीज के लिए, इसको आपको बैटरीज इसको रन करने के लिए आपको 24 वाट रिक्वायर्ड होते हैं बैटरीज के लिए। तो मैंने इसका सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है, ये मैंने प्लस का पॉइंट दिया हुआ जो कि सीधा हमारे अब देख रहे हैं इन्वर्टर को जाते हैं, दरमियान ब्रेकर लगाया हुआ ट्रिप कराने के लिए, या कहीं हमें डिसकनेक्शन रिक्वायर्ड है मेंटेनेंस के लिए तो हम यहाँ से डिसकनेक्शन भी करवा सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। देन मैंने इसकी नेगेटिव को, इस बैटरी के नेगेटिव को दूसरी बैटरी के प्लस के साथ मिलाया, इसका कनेक्शन किया है, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन इस तरह होता है, अगर पैरेलल कनेक्शन हो तो प्लस का कनेक्शन प्लस के साथ होना था, क्योंकि यहाँ हम सीरीज में कनेक्शन कर रहे हैं तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मिलाएंगे। और देन मैंने यहाँ एट द एंड नेगेटिव लिया हुआ है जो कि सीधा ये नेगेटिव वायर है हमारी उससे साइड पे मैंने रखी हुई है एहतियात के लिए, तो ये हमारी इन्वर्टर में लगेगी। इस तरह एक एंड से बैटरी की नेगेटिव पॉइंट ये वाली वायर हमारी इन्वर्टर में लगेगी और दूसरी बैटरी में से पॉजिटिव वायर ये वाले ये जा रही है पॉजिटिव वायर, जिसके दरमियान में मैंने ब्रेकर लगाया हुआ, ये हमारे इन्वर्टर तक लगेगी। मजीद मैं इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन करता हूँ आपके सामने। व्यूअर्स, इंस्टॉलेशन में सबसे पहला प्रोसेस मेरा ये है कि हम दो यहाँ पॉइंट्स ड्रिल कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी दिखा देता हूँ इसके इन्वर्टर के मुताबिक कि इन्वर्टर को हैंग करने के लिए ये दो उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए, मैं बैक से भी दिखाता हूँ आपको, ये इनके मुताबिक इसको रखते हुए यहाँ हम मार्किंग करेंगे इन दो पॉइंट्स पर। मार्किंग करने के बाद यहाँ हम दोनों जगह पर ड्रिल कर लेंगे, ड्रिल करने के बाद इसके अंदर गटियाँ डाल देंगे, हम 1.5 या 2 इंच के स्क्रू के साथ इसको टाइट कर देंगे। इन्वर्टर हमारा अच्छी तरह दीवार के साथ फिक्स हो चुका है। अब इसे नेक्स्ट स्टेप है कनेक्शंस का। शू यूज होता है इसको सप्लाई देने के लिए, वाबरा की सप्लाई, इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसको पॉइंट दे रखा। नेक्स्ट स्टेप है पॉजिटिव वायर आ रही बैटरीज में से, ब्रेकर में से गुजर के आ रही है, उसका कनेक्शन करेंगे। इन्वर्टर में इसकी स्लोट रेड कलर के साथ दी गई हुई है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट हम कनेक्शन करेंगे नेगेटिव वायर जो बैटरी में आ रही है और इन्वर्टर में इसके लिए की मार्किंग ब्लैक के साथ की हुई है, जूम में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टेप हमारा यह है कि इसमें हम जो हमारे पीवी कनेक्शंस हम करेंगे, एक्चुअली ये सोलर प्लेट से जो हमारी वायर्स आ रही हैं और उस कनेक्शन को हम पीवी कनेक्शन कहते हैं, तो इसमें हम ये ख्याल करेंगे जो हमने पॉजिटिव वायर है वो हमने पॉजिटिव स्लॉट में लगानी है और जो हमारी नेगेटिव वायर है वो हम नेगेटिव स्लॉट में लगाएंगे। इसको क्रॉस नहीं कर देंगे, क्रॉस करने से नुकसान हो जाएगा। जी व्यूअर्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हम जो घर को लोड दे रहे हैं उनकी वायर्स का कनेक्शन करेंगे। इसमें भी सेम जैसे कि प्रीवियसली हम ख्याल रखते रहे हैं नेगेटिव को नेगेटिव में लगाना है
और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाना है, तो इस चीज को आपने क्लोजली मॉनिटर करना है। वायर्स को अच्छी तरह आपने चेक कर लेना। अब अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्शन हमारे सारे हो चुके हैं। मैं आपको करीब से भी इसका व्यू करवा देता हूँ। ये देखिए नाजरीन, सब पॉइंट दिखाता हूँ जहाँ से हमने वापरा सप्लाई दी हुई इन्वर्टर को। ये है, इसको हम ऑन कर देते हैं और इसके बाद नेक्स्ट, ये इस वक्त आइडल कंडीशन में है हमारा इन्वर्टर। ये हमारे डीपी में मैंने फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ घर को जो सप्लाईज के लिए दो ब्रेकर दिए हुए हैं ऑफ करने के लिए, लेकिन आप इस पे मजीद पीवी के ब्रेकर भी इंस्टॉल कर सकते हैं या जिस लेवल तक आप घर में सेफ्टी रखना चाहते हैं आप इस पे मजीद ब्रेकर ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ एक चेंज ओवर स्विच दिया हुआ है कि अगर आपको कोई रिपेयरिंग वर्क करना पड़ रहा है तो आप सोलर से वापडा भी शिफ्ट कर सकते हैं ताकि आपके घर का लोड चलता रहे और उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, और सोलर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है तो वो भी की जा सके। और इसके साथ ये मैं आपको पॉइंट्स थोड़े से ब्रीफ कर देता हूँ। ये हमारी नेगेटिव वायर है जो कि हमारी बैटरीज में आ रही है। इसका पॉइंट मैं आपको नीचे से भी दिखा देता हूँ। ये पॉइंट इसका है, ठीक है, क्योंकि हमारे सीरीज में कनेक्शन है तो नेगेटिव हमारा यहाँ से जा रहा है इन्वर्टर में और पॉजिटिव हमारा यहाँ से जाएगा इन्वर्टर में, और दरमियान में नेगेटिव प्लस पॉजिटिव की सीरीज की हुई है। पॉजिटिव को मैंने ब्रेकर दिया हुआ है ताकि बवक्त ज़रूरत मेंटेनेंस या रिपेयर के वक्त हम इसका डिसकनेक्शन कर सकें इन्वर्टर के साथ। और इसके साथ ये पीवी के कनेक्शन किए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये पीवी की नेगेटिव वायर है और ये वाली आपको नज़र आ रहा होगा पॉजिटिव वायर है जिसमें मैंने रेड कलर की टेप भी रोल की हुई है। और घर के लोड की सप्लाई के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव वायर है फेस और ये वाली न्यूट्रल वायर। तमाम कनेक्शन मैंने आपको ब्रीफली बता दिए। तमाम कनेक्शंस को अच्छी तरह चेक करने के बाद हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे। इन्वर्टर को ऑन करने के लिए हम जो पॉजिटिव ब्रेकर दिया हुआ है हमने बैटरीज में और इन्वर्टर के दरमियान, उसको ऑन करेंगे। एक्चुअली 2.5 किलोवाट में हमारी जो बैटरीज हैं वो इसको इनिशलाइज करती हैं और इन्वर्टर को ऑन करती हैं। जी व्यूअर्स, इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है और इस वक्त जो हमारे घर का लोड है वो सोलर पे चल रहा है। अगर इस ऑप्शन पे होगा तो ये सोलर पे चलेगा, अगर ये टावर वाली ऑप्शन पे होगा तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो पीवी वॉल्स नहीं आ रहे जैसे कि रात के वक्त होता है, तो फिर ये ऑटोमेटिक इस पर शिफ्ट हो जाएगा। ये थी मुकम्मल इंस्टॉलेशन 2.5 किलोवाट फ्रॉनस इन्वर्टर की। जाना कि मालूमती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।